डिलिमिटेशन कमीशन ने आज जो पब्लिक हियरिंग यहाँ पर रखी थी, सभी इलाकों के जो अलग अलग बरादरीज के या DDC के BDC के पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव उसमें आए हुए थे, सभी ने अपनी बात रखी है, उन्होंने सुनी है। इससे पहले उन्होंने क्लियर किया जो उनके पास ये जो 21 मार्च तक जो ऑब्जेक्शन आने थे उसी के आधार पर मुझे लगता है कि डिलिमिटेशन काम करेगा। और लेकिन कुछ इलाकों के बारे में जो बहुत ज़्यादा छंब के बारे में, परगवाल के बारे में या कुछ दूर दराज के एरिया के बारे में या बॉर्डर बेल्ट के बारे में जो रिजर्वेशन की बात कही है वो भी उन्होंने बड़े ध्यान से सुनी है। उम्मीद करनी चाहिए कि कुछ ना कुछ इससे निकल करके आएगा और जम्मू कश्मीर को सही। आपने क्या बोला बीजेपी की तरफ से, क्या पॉइंट्स? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग जगह के अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव ने अपनी बात रखी है, तो इलाका वाइज मुझे लगता है कि जो रिप्रेजेंटेशन दी गई है उसी आधार पर ये काम। कांग्रेस बोलते हैं कि ये सारा ये है स्क्रिप्टेड है, इसमें पूरा आईवॉश है, ये कुछ भी नहीं। देखिए, ये इस प्रकार के कमीशन पर उंगली उठाना गलत है, लेकिन अपनी बात रखनी चाहिए थी, यहाँ आना चाहिए था। अगर उनको ऑब्जेक्शन है उसके लिए पीरियड भी रखा गया था, ये उनका मामला है। लेकिन ये किसी भी कमीशन पर जो इंडिपेंडेंट कमीशन रहता है उस पर उंगली उठाना ठीक नहीं रहता। क्या असेंबली इलेक्शन के लिए राह हमार हो रही है? देखिए, असेंबली इलेक्शन राह हमार हो रही है, राह इसकी हमार हो रही है, मीन्स की क्लियर हो रहा है पाक? बिल्कुल बिल्कुल, ये डिलिमिटेशन कमीशन का जो हद है वो 6 मई तक है, तब तक रिपोर्ट भी आ जाएगी, तो उम्मीद करनी चाहिए कि जल्द यहाँ पर इलेक्शन होगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार। सीमन आयोग के ऑनरेबल चेयरपर्सन श्रीमती रंजना देसाई जी और भारत देश के मुख्य चुनाव अधिकारी और उनके साथ परिसीमन आयोग के सभी सदस्यों ने आज जम्मू संभाग के 10 दिनों की आम जनता, जिसमें चुने हुए DDC, BDC, पंचीज, सरपंचीज और जो XMLA उनके साथ मुलाकात की है। जम्मू संभाग के अलग अलग विषयों पर हमारे लोगों ने जो अलग अलग डेलीगेशन गए थे उन्होंने चर्चा की है। बड़े पैमाने पर लोगों ने, वो चाहे खगवाल है, राजपुरा है, सांबा है, कूड़ा सराफिया है, आरएसपुरा मरालिया है, अरनिया है, इसके साथ साथ बड़े पैमाने पर लोगों ने जिसमें परगवाल, छंब जोड़िया, चौकी चोरा, नैरा मांद्रिया, रजौरी, पुंछ, सुंदरवनी, ऐसे तमाम क्षेत्रों के विषयों को परिसीमन आयोग के सामने रखा है। और जो भी जनप्रतिनिधि थे या आम जनता के जो भी नुमाइंदे यहाँ आए, उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों के मुद्दों को यहाँ उठाया है। परिसीमन आयोग की ऑनरेबल चेयरपर्सन मैडम रंजना देसाई जी और हमारे देश के मुख्य चुनाव अधिकारी ने बड़े ध्यानपूर्वक सारी बातें सुनी हैं। मुझे विश्वास है कि जो जो विषय आज यहाँ पब्लिक डोमेन में इस हियरिंग के लिए यहाँ परिसीमन आयोग के सामने जो जो विषय रखे गए, उन सभी विषयों पर परिसीमन आयोग गंभीरता के साथ विचार करेगा। ये सभी लोग जिन्होंने आज रिप्रेजेंटेशन दी है, ये ग्राउंड से जुड़े हुए लोग हैं, ये धरातल की ग्राउंड सिचुएशन जानते हैं। रविंदर रैना जी, कांग्रेस ने परिसीमन आयोग का बहिष्कार किया है, आप किस तरह से देखते हो और आज प्रदर्शन भी किया गया है जम्मू के अंदर? देखिए, परिसीमन आयोग ने बड़ी मेहनत करके पिछले 2.5 वर्षों में अपनी इस रिपोर्ट को पूरा किया है। परिसीमन आयोग को बधाई देनी चाहिए कि उन्होंने बाई एंड लार्ज जो है डिलिमिटेशन कमीशन, जो कि जम्मू कश्मीर में कई सालों से पेंडिंग था, उसके लिए एक लंबी मैराथन एक्सरसाइज की है। उन्होंने ड्राफ्ट रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में डाली है। फाइनल रिपोर्ट आने से पहले उन्होंने जनता से सुनवाई की है। परिसीमन आयोग ने बहुत मेहनत की है, परिसीमन आयोग का हम धन्यवाद करते हैं, उनको बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो विषय आज खासकर परगवाल, चौकी चोरा, मैरा मांद्रिया, छम जोड़िया, कूड़ा सलातिया, भगवाल, राजपुरा,
अरालिया, आरसपुरा, सुचेतगढ़, इन तमाम क्षेत्रों के जो डेलीगेशंस आज जिन्होंने अपनी मांग वहां रखी, जिसमें XMLA DDC है कि परिसीमन आयोग जो है वो इन सब के विषयों को भी रैना साहब विधानसभा चुनावों को लेकर कोई बात हुई? विधानसभा चुनावों को लेकर के कोई बात हुई? देखिए, परिसीमन आयोग जैसे अपनी फाइनल ड्राफ्ट रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा 6 मई तक, इसकी कालावधि है, 6 मई से पहले पहले डिलिमिटेशन कमीशन ने अपनी फाइनल रिपोर्ट जम्मू कश्मीर की विधानसभा के गठन के लिए वो देनी है। और उसके बाद जैसा कि हमारे देश के माननीय गृह मंत्री जी ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, उसके बाद जम्मू कश्मीर के सभी राजनीतिक दलों के साथ चर्चा करेंगे और आने वाले 6-8 महीने में यकीनन जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव भी होंगे। बीजेपी के लिए सीटें बुला रहा है, बीजेपी के फायदे के लिए। डिलिमिटेशन कमीशन एक ऑटोनोमस बॉडी है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ऑनरेबल जस्टिस रंजना देसाई जी इनकी चेयरपर्सन है। कुछ राजनीतिक दल जो जम्मू कश्मीर में अपना आधार खो चुके हैं, वो इस प्रकार का प्रोपेगेंडा करते हैं जिसमें कांग्रेस भी शामिल है। कांग्रेस को साथ भी अन्य साथियों के साथ आज उन्होंने जम्मू के अंदर आम जनता की बात सुनी, जिसमें जिला परिषद के सदस्य, ब्लॉक समितियों के सदस्य, पंच, सरपंच और आम जनमानस और अन्य अन्य राजनीतिक दलों के नेता शामिल थे। परिसीमन आयोग ने बड़े ध्यानपूर्वक सभी लोगों की बात सुनी है और मुझे विश्वास है कि जो विषय आज परिसीमन आयोग के सामने कुछ लोगों ने यहाँ लाए हैं, जिसमें परगवाल, चौकी चोरा, मैरा मांदरिया, छम्ब, गुड़ा सलाथिया, घगवाल, राजपुरा, आरसपुरा, मरालिया जैसे क्षेत्रों के, बॉर्डर एरिया के क्षेत्रों से, सुंदरबानी, रजौरी और पुंछ क्षेत्रों के लोगों ने जो अपनी आवाज़ और ऑब्जेक्शंस परिसीमन आयोग के सामने रखे हैं, वो अपनी फाइनल रिपोर्ट में उन सभी विषयों को शामिल करेंगे। और एक रिपोर्ट जिस पर उन्होंने पहले से बहुत मेहनत की है और रिकॉर्ड समय में इस सारे परिसीमन आयोग के कार्य को पूरा करने जा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आज जो भी जनता ने आयोग के सामने अपने विषय रखेंगे, उन विषयों पर गंभीरता के साथ परिसीमन आयोग विचार विमर्श करेगा। आरोप लगाया कि सारा जो भी परिसीमन का प्रक्रिया है बीजेपी के इशारों पे होगी। परिसीमन आयोग एक स्वतंत्र इंस्टीट्यूशन है, ऑटोनॉमस बॉडी है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ऑनरेबल जस्टिस रंजना देसाई साहिबा इनकी चेयरपर्सन है, उन्होंने सबकी बात सुनी। 5 इस कमीशन के एसोसिएट मेंबर हैं जो ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट से हैं, इलेक्टेड लोकसभा के, जिसमें 2 भारतीय जनता पार्टी के हैं तो 3 नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं। उनको भी अपनी, उन्होंने भी कई बार कमीशन से मुलाकात करके अपनी बात रखी है और अपने ऑब्जेक्शंस भी फाइल किए हैं और उनके ऑब्जेक्शंस के जवाब परिसीमन आयोग ने दिए हैं। परिसीमन आयोग ने बहुत अच्छा काम किया है और जम्मू कश्मीर की विधानसभा का गठन रिकॉर्ड समय में होने जा रहा है और मुझे विश्वास है कि इसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव होंगे और यहां चुनी हुई सरकार होगी। कांग्रेस कह रही है मिलने नहीं दिया है। जो राजनीतिक दल अपना जनाधार जम्मू कश्मीर में खो चुके हैं, वो इस प्रकार के प्रोपेगेंडे में शामिल हैं जैसे कांग्रेस पार्टी प्रोपेगेंडा कर रही है।